ये बेटा मेरा अचानक रात के 12 बजे मुझसे केक कटवा रहा है, जो कि मैं नींद में थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ केक। शाम को ले आए थे केक। अभी सबकी शक्ल भूत जैसी है क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है, सब सोने के मूड में है। सिर्फ रात के 12 बजे का एक वो होता है प्रथा, वो चल गई होगा इंशाल्लाह। क्रिकेट पे मजा आ गया लेकिन ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग उड़ा रहे थे। अब कल क्या करोगे? ठीक है इंशाल्लाह फिर कल क्या मिलते हैं। करोगे? ठीक है इंशाल्लाह फिर कल शाम को मिलते हैं। ओके तो ये है बलून जो मुझे बहुत पसंद है। बलून तो ये बेटा मेरा बहुत सारा बैलून फुला चुका था, तो मुझे वैसे बलून बहुत पसंद है। ये छोटा सा डेकोरेट है जो बच्चे ने किया, डेकोरेट थोड़ा छोटा, सही है जो भी किया इन्होंने। बच्चों का ही प्यार था जो इतने अच्छे से जो भी डेकोरेट किए, बहुत अच्छा था। मुझे अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो आज है मेरा बर्थडे, तो ये छोटा सा डेकोरेट है, बच्चे लोग ऐसा किए हैं, बलून है। रात में हमने केक काटा 12 बजे रात कल, जो कि वो हम सो रहे थे नींद में थे, तो वो इतने अच्छे से नहीं आ पाया, लेकिन हाँ छोटा सा है क्लिप। तो ये है बर्थडे, तो इसके बाद हम लोग कहीं घूम जाएंगे बाहर डिनर के लिए बच्चों के साथ। तो ये छोटा सा क्लिप। तो छोटे बेटे को बारबेक्यू नेशन जाना था गुड़गांव, देखते हैं क्योंकि रात बहुत हो रहा है तो पता नहीं जा पाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग कहाँ चलोगे अद्दू? अब देखो कहाँ जाते हैं लोग, बारबेक्यू नेशन बोल रहे हैं, अब देखते हैं किस कहाँ पर किस जगह पे जाएंगे। हेलो कहाँ रुक गए पापा? क्या हुआ, क्या आपको बोला? कुछ नहीं। ये देखिए यार, विश करो भाई, विश करो मुझे। रात में कल कर चुके, एक बार फिर करिए, फिर करिए एक बार करे, आज फिर करिए, ब्लॉग के लिए करिए। गिफ्ट 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 2 साल का गिफ्ट दे चुके बच्चे, 2 साल का। ले ले ले, ये सऊदी में चले गए, इतना खुश होंगे कि गिफ्ट से बच गए। गिफ्ट से बच गए, फिलहाल जाने के बाद तो ले ही लेंगे। ओके और तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो? सबसे ना मांगना पड़ता है, बच्चों से भी सबसे बोल बोल के गिफ्ट लेना पड़ता है, गिफ्ट दो। सबसे बोल बोल के गिफ्ट लेना है। ये देखो सारे लोग अभी ये रेडी हैं, बड़े वाले बेटे का वेट कर रहे हैं, वो ऑफिस से अभी नहीं आया है, तो वो आ जाए तो फिर हम लोग कहीं बाहर जाएं घूमने। बर्थडे सेलिब्रेशन टाइम, अब हम लोग जा रहे हैं। ये मेरा अपना सेलिब्रेशन हो गया, केक नहीं काटा कल, केक काट चुके हैं, फिर काटो फिर खाओ, खुद ही खाओ। तो मुझे डाइट पे चलना है, इतना ज्यादा केक नहीं खाना है,
तो अब जा रहे हैं बेटे के पास क्योंकि बारिश हो रहा है बाहर, तो गाड़ी लेके उसको जा रहे हैं लेने, फिर हम लोग उधर से ही निकल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं रास्ते में। तो आज मेरे बर्थडे में बहुत बारिश हो रहा है बाहर, कुछ देखते हैं क्या प्लान बनेगा। अभी तो बेटे को लेने जा रहे हैं गाड़ी से, बारिश शुरू है एकदम, रात का है। ये है मेरे बर्थडे का दिन का बारिश, क्या खराब हुआ है, बारिश ही बारिश, बहुत तेज बारिश हो रहा है और मुझे लगा कि खुल जाएगा खुल जाएगा। ये देखो बेटा गाड़ी चला रहा, बारिश हो रही है। को लेने के बाद हम लोग डिनर पे चले आए रेस्टोरेंट, मेन्यू तो सिलेक्ट कर लिए क्या खाना है। रोटी नहीं, रोटी में बटर नान ले लो, रोटी की तरह ना। अच्छा ये रहा, बटर नान ले, गार्लिक नान, बटर नान, बटर नान ले लो। देखिए हम लोग आ जाए हैं, बहुत सारा आज बहुत सारे मसले हो गए हैं। सही बात है, आज इतने मसले हुए हैं क्या बताएं, लेकिन फाइनली 10 बज रहे हैं अभी तो मम्मी का बर्थडे का डिनर कर ही लेते हैं, लेकिन इतने मसले हुए हैं कि लोग थकार के घर ही चले जाते हैं। सही बात है। लेकिन चलिए हो गया, तो होना था। गाड़ी फंस गई थी ना पूरी। क्या मैं बताओगी अब? पूरा बताओ, तुम बताओ। मैं बताऊं? बताओ पूरा। हुआ क्या कि मैं था ऑफिस में, ऑफिस में आज हो गई, पिछले 1.5 हफ्ते तक कोई बारिश नहीं हो रही, लेकिन आज बारिश हो गई शाम छुट्टी के टाइम, बहुत ज्यादा बारिश, इतनी बारिश। और आज मैं गया था बाइक से, गाड़ी से भी नहीं गया, प्रीति की बाइक से आने के लायक नहीं तो भीग जाता। हमारा प्लान था कि हम लोग कहीं गुड़गांव वगैरह जाएंगे या फिर इधर उधर जाएंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे। हमें छुट्टी होती है 6:30 बजे, तो हमने सोचा था मैं 7 बजे तक मैक्सिमम घर पहुंच जाता हूँ, तो 7:30 बजे निकलते हैं और आराम से अपना घूम फिर के रात में आते हैं 12-1 बजे तक खाना पीना खा के। लेकिन हुआ ये, मैं सोचा कि हम लोग प्लान बनाया चेंज किया, हमने सोचा कि चलो ऑफिस में ही गाड़ी मंगा लेते हैं, बाइक में खड़ी कर दूंगा और इनको ही ऑफिस बुला लिया। बारिश होने लगी, लोग आधा घंटा लग गया, बारिश हो रही थी, धीरे धीरे चला के आया, टाइम भी बहुत लगा, जाम भी होगा। आया ऑफिस के बाहर, थोड़ा सा रोड भरा हुआ है लेकिन रोड के साइड में फुटपाथ जो है वो नीचे हो गया था और पानी उसके ऊपर भर गया था, तैर रहा था, तो एक लेवल जैसा हो गया पता नहीं चला। और गाड़ी चला रहा था अद्दू, मेरा छोटा भाई, और उसने साइड में रोड के उतार दी, गाड़ी गई फंस। फिर वहां पे हम लोग इतना परेशान हुए, गाड़ी निकाले, एक बंदे को रोके, एक पिकअप बोलेरो की पिकअप थी उसने गाड़ी खींच के बाहर निकाली, ये हुआ। उसके बाद फिर वापस आते वक्त 1.5 घंटा लग गया, बहुत जाम, इतना जाम, हर जगह जाम। बच गए हम लोग आते आते 10 और फिर हम लोग आ गए सीधा रेस्टोरेंट। तो बस ये थी आज की कहानी हम लोगों की, मतलब ऑलरेडी तुम आ गए, तो ये बस आज बहुत लेट हुआ, तो ये आखिर लास्ट में हम लोग, मेरा बर्थडे था, ये लोग डिनर कर रहे हैं, मुझे डिनर नहीं हो पाएगा, कुछ प्लान नहीं हो पाएगा डिनर का, लेकिन सोचा प्लान क्यों खराब करें, चल ही लेते हैं लास्ट, क्योंकि ये पास में, मेरे घर के पास में ये रेस्टोरेंट है, घर के पास में डाकिया वाटिका, वाटिका रेस्टोरेंट। हाँ, इस रेस्टोरेंट में पहली बार आए, तो देखते हैं खाना खाने के बाद। ऑफिस जाना था, यहाँ पर बच्चे अपना मस्त थे, बात कर रहे थे, मैं अपना सॉन्ग सुनने में मस्त थी। तुमको मैं स्कूटी से छोड़ दूंगा। बटर पनीर या कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर, बटर नान, कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, अभी पता नहीं और क्या, इन लोग देखो क्या मंगाए हैं। अभी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, अब ये अब कोई कोई टेस्ट करो, ये देखो अब जो खाने के शौकीन होंगे वो फौरन निकालेंगे। व्हाइट ग्रेवी, चलो निकाल के देखो, ये तो मीठा होता है, तड़का ये आप तुम लोग निकालो, हम ले लेंगे, तुम खा के बताओ, टेस्ट करके बताओ तुम।
निकाल लेंगे अपना। ग्रेवी नहीं निकल रही थी ना तो पनीर हटा है। चलो अब खा के बताओ मुझे। ये ले लेगा ले लेगा। अब ये देखो मेरा तो ले दे। ले रहा है एक लोग खाए। अब एक मीठी ग्रेवी अभी इनको देखो। तो मलाई कोफ्ता अब वो तो थोड़ा बहुत है ना, ज्यादा है क्या? ये देखो अभी छोटा बेटा निकाल रहा है। निकाल लेंगे खा के बताओ टेस्ट कैसा है। ये सबका कोल्ड ड्रिंक्स ये भी छाया नहीं तुम लोग। ब्लैक टॉवल नहीं, ब्लैक टॉवल नहीं भी छाया तुम लोग। अद्दू खा के बताओ। पहले मलाई कोफ्ता ट्राई करते हैं। अच्छा जैसा होना चाहिए मलाई कोफ्ता वैसा ही है। वैसे ही जैसा होना चाहिए मलाई कोफ्ता। ये पनीर कढ़ाई पनीर ये भी अच्छा है। अच्छा कढ़ाई कोफ्ता मतलब जैसा तीता होना चाहिए जो ऐसे ही खाना चाहिए मतलब अच्छा टेस्टी। बर्थडे सक्सेसफुल। फिनिश हो गया इधर पेट टाइट हो गया बहुत बच भी गया थोड़ा बहुत। मेरे को खा रहा भी है। तो अब हम लोग खाना खा लिए अब निकलेंगे यहाँ से। मेरे को एक ब्लैक फॉरेस्ट फीस्ट। ये देखो आइसक्रीम अब रास्ते में रोक डाइट। मेरे हम लोग का डाइट पूरा खराब करवा देते हैं ये सब बच्चे दोनों मिलकर। आज तो पार्टी है। पार्टी है तो आप कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाओ तो अच्छे से ही खाता है इंसान। हाँ तो हम लोग खाना खाकर अब भी आए। ठीक है मजा आया। मजा आ गया। अद्दू आओ। ऐसे तो हो गया मेरा बलून। ये हो गया बर्थडे आज बलून। चलो हो गया बर्थडे व्लॉग फिनिश। ब्लॉग फिनिश। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बिल्कुल। और आप लोग देखें मेरे ब्लॉग को। कर देंगे सब कर देंगे। हाँ ठीक है तो गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय। अल्लाह हाफिज।